रोलिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, प्योर रोलिंग कब लगेगी और प्योर रोलिंग कब नहीं लगेगी, इसका आंसर। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो पता नहीं शीट में कैसे रह गया, फॉर्मूला बुकलेट में ओपन करो और लिखो, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ना बताऊं तो शायद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत आई, आप नहीं कर पाएंगे उसे। देखो तो इसमें डायग्राम बनाओ, ये आपके सामने ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशन मोशन एंड रोलिंग, ऐसे बनाया था ना। तो आप इसमें लिखो ये है ट्रांसलेशन मोशन, ये है प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, और ये है रोलिंग। रोलिंग या प्योर रोलिंग एक ही बात है, ठीक है। डायग्राम बनाओ, अगर ये प्योर ट्रांसलेशन है तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा, हर पार्टिकल आगे मूव करेगा विद वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास। मानते हो, ये चीज बताई थी मैंने आपको, ट्रांसलेशन मोशन के अंदर सारे पार्टिकल मूव करेंगे फॉरवर्ड विद वी सेंटर ऑफ मास, प्योर रोटेशन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, ये बताया था। लेकिन प्योर रोटेशन के अंदर ये घूमेगा, ये बॉडी घूमेगी, हर पार्टिकल के पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। अगर ये घूम रही है विद ओमेगा और इसका रेडियस आर है, तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल क्या की थी, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा, हर पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा। ये बना ले प्लीज। हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। देखो मैं क्या करने वाला हूं कॉम्बिनेशन में, ध्यान से देखना। इस पॉइंट की वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास है, राइट, और इसकी क्या है, आर ओमेगा, राइट। जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी वी सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v सेंटर ऑफ मास एंड यहां की वेलोसिटी r ओमेगा, r ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, r ओमेगा v सेंटर ऑफ मास, और इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी v सेंटर ऑफ मास एंड r ओमेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, चेक करो। सारे वेक्टर्स को ऐड कर दिया तभी कॉम्बिनेशन बनेगा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कॉम्बिनेशन रोलिंग।
ठीक है यहाँ तक। अगला स्टेप देखो, अब अगले स्टेप में आप ये बताओ कि जब कोई बॉडी प्योर रोल करती है तो वी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल है? आर ओमेगा। अगर कोई, देखो हम क्या कर रहे हैं, प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग में हमने ये रिजल्ट किया था कि वी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पुट कर लेते हैं वी सेंटर ऑफ मास, इसकी जगह भी पुट कर लेते हैं वी सेंटर ऑफ मास एंड सो ऑन। तो नया डायग्राम आपका कुछ ऐसे बनेगा, चेक करो, नया डायग्राम बनाते हैं। तो नया डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये लो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2 × वी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी थी कितनी, वी सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा, लेकिन आर ओमेगा भी तो वी सेंटर ऑफ मास होता है, दोनों को ऐड कर दिया, 2 times वी सेंटर ऑफ मास। यहां पर एक वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास, दूसरी वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आर ओमेगा की जगह वी सेंटर ऑफ मास, तो नेट वेलोसिटी यहां पर क्या जाएगी, 0। इस पॉइंट पर वी सेंटर ऑफ मास और नीचे आर ओमेगा की जगह वी सेंटर ऑफ मास, तो नेट वेलोसिटी आएगी यहां से अंडर रूट ऑफ 2 वी सेंटर ऑफ मास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वी सेंटर ऑफ मास, नेट वेलोसिटी यहां पर क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 2 वी सेंटर ऑफ मास। ये वेलोसिटीज की वैल्यूज होंगी जब एक बॉडी प्योर किसमें होगी, रोलिंग में। तो क्वेश्चन आएगा आपको, अगर मान लो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 2 × 10 = 20। बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा किस पे माना जाता है, एट रेस्ट। प्योर रोलिंग में लोअर मोस्ट पॉइंट कभी मूव नहीं करता, नेट वेलोसिटी क्या होती जाती है, हमेशा कैंसल। इस पॉइंट की वेलोसिटी √2 × 10 हो जाएगी और इसकी √2 × 10 हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन प्योर रोलिंग का, ये बना लो, आगे बताता हूं। ठीक है यहाँ तक। तो प्योर रोलिंग में ये वेलोसिटीज मेंशन करनी है। एक क्वेश्चन माइंड में आता है, टायर तो रोल कर रहा है, ये वेलोसिटी 0 कैसे है ना, ये क्या बात बनी, रेस्ट पे है, हमेशा रेस्ट पे है। टायर तो यहाँ से दिल्ली पहुंच गया रोल रोल करके, और लोएस्ट पॉइंट कह रहे हैं कि रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही है, क्योंकि वेक्टर सम हमेशा क्या करता जा रहा है उसमें, कैंसल। चलो कोई कहता है कि एक मिनट के लिए वेलोसिटी अज्यूम कर लो, चलो इसकी वेलोसिटी है, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मैंने ले ली ना, इसका मतलब उसकी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई ना, फिर वो प्योर रोलिंग नहीं रहेगी, वो घिसटती हुई जा रही है। अगर वेलोसिटी है स्लाइड करने की, तो घिसटती हुई जा रही है, और हम यहाँ पर स्लाइडिंग की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, रोल विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट स्लाइडिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो लोअर मोस्ट पॉइंट हमेशा किस पे रहेगा, एट रेस्ट पे रहेगा, ठीक है यहाँ तक। तो आज के बाद इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, समझ में आ रहा है कैसे करना है, कॉम्बिनेशन में ट्रांसलेशन एंड रोटेशन करना है प्योर रोलिंग। इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑप्शनल टॉपिक है, बता रहा हूँ मैं, प्लीज़ ये मतलब करो ना करो, मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट, इसमें तो आप वहाँ से सुनना चाहो सुन सकते हो। अब एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर आप जब ये रोल करेगा एक्सिस क्या लोगे, मैंने कहा सेंटर। अब वो कहता है नहीं मैं सेंटर नहीं लूँगा, मैं एक्सिस ये लेना चाहता हूँ, क्योंकि तो रेस्ट पे है ना, तो ठीक है एक्सिस रेस्ट पे, हाँ तो ले लो। अगर आप ये एक्सिस रेस्ट लेना चाहते हो, एक्सिस ये लेना है, फिर आप ऐसे अज्यूम करें ये एक्सिस है और सारे के सारे पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं, प्योर रोटेशन कर रहे हैं, प्योर रोटेशन, ये देखो रोटेट कैसे, ये वाला पार्टिकल जैसे इस सर्कल में घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल, ये देखो टेंजेंशियल वेलोसिटीज इस सर्कल में घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल इस सर्कल में घूमेगा, ये वाला पार्टिकल ऐसे निकलेगी वेलोसिटीज। इमेजिन करो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व, ऑप्शनल है। अगर आप ये एक्सिस लेते हो और अगले इंस्टेंट पर ये एक्सिस चेंज हो जाता है, इस एक्सिस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस
एक्सेस ऑफ रोटेशन IOR। तो ये अलग वीडियो है, अगर कोई देखना चाहता है कि अगर ये एक्सेस है फिर तो पता ही है क्या करना है, ये तो हम रूटीन में लेते ही हैं, पर अगर कोई देखना चाहता है कि एक्सेस इससे भी सॉल्व हो सकता है, क्या रिजल्ट बनते हैं इसके लिए, तो फिर वो अगली वीडियो देख लेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, उसमें सारा कुछ है, 10 मिनट का वीडियो है, उसमें वो क्लैरिटी दे देगा कि ऐसे भी एक्सेस लिया जा सकता है। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा ऑप्शनल है, IOR करना कंपल्शन नहीं है, आप अगर ज़्यादा चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते आप प्लीज़ एक्सेस यही ले लो, चल आंसर आएगा ठीक।